एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाया था और पूछा था कि क्या वजह है कि पूरी डिटेल जारी नहीं की गई, क्या वजह है कि चुनावी बॉन्ड का जो नंबर है, बॉन्ड संख्या, यूनिक नंबर, वो जारी नहीं किया गया। और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है एसबीआई को कि एक और मौका दिया गया है और कहा है कि 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सारी डिटेल, सारी जानकारी को रिवील करें, जारी करें चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश अब दिया गया है। सीधा विक्रांत का रुख करेंगे। विक्रांत, एक और मोहलत के तौर पर देखा जाए इसे एसबीआई को? देखिए, मोहलत से ज्यादा एसबीआई को एक तरह से क्लैरिटी अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान ये साफ कहा कि इस तरीके के क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी और एसबीआई को जब हमने ये आदेश दिया था कि उसे तमाम डिटेल्स देनी है, सारी डिटेल देनी है बॉन्ड से संबंधित, तो फिर उसने ये डिटेल अपने पास क्यों छिपाई, क्यों उसने रखी अपने पास? ये डिटेल्स भी सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। अब कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि गुरुवार यानी 21 मार्च की शाम को 5 बजे तक वो सारी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करेंगे और इस बाबत एक हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। मतलब जो बॉन्ड जारी किए गए थे उनके सीरियल नंबर के साथ आपको जानकारी देनी होगी और वो जानकारी चुनाव आयोग को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। ये भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये अपने आदेश में बोला है। कोर्ट ने साफ ये कहा कि हमने इस मामले में पूरी साफ तरीके से आदेश में लिखा था कि आपके पास जो भी जानकारी है वो तमाम जानकारी आप दे दें। उसके बाद एसबीआई ये नहीं कह सकता कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, उस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि कोर्ट में सरकार की तरफ से और एसबीआई की तरफ से भी ये कहा गया कि इस डाटा को लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर बातें बनाई जा रही हैं, राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एनजीओ जो है वो डाटा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ इतना चाहते थे कि जानकारी लोगों के सामने आए। अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, एक मजबूत संस्थान है हम और इस तरीके की सोशल मीडिया की खबरों से असर नहीं पड़ना चाहिए, हमें मजबूत होकर रहना चाहिए। तो एक तरह से अब इस मामले का यह समझा जाना चाहिए कि यह पटाक्षेप हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब एसबीआई को यूनिक नंबर के साथ सारी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करनी होगी और चुनाव आयोग वो सारी जानकारी यूनिक नंबर के साथ बॉन्ड के अपनी वेबसाइट पर डालेगा, सार्वजनिक किया जाएगा जी। लेकिन विक्रांत, ये तो तब है जब कोर्ट की ओर से एसबीआई को पहले ही कह दिया गया था कि अगर सही से एक्शन नहीं लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हम आप पर केस भी चला सकते हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह से एसबीआई की ओर से एक्शन लिया गया है तो जाहिर है कि कोर्ट की नाराजगी बिल्कुल जायज है। देखिए, कोर्ट में क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो गई थी, उसके बाद कोर्ट ने साफ ये कहा था पिछली सुनवाई पर कि हम अभी कंटेम्प्ट पर नोटिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक और मौका एसबीआई को दे रहे हैं कि वो सारी जानकारियां साझा कर देगा। उसके बाद जो डेडलाइन दी थी उसमें एसबीआई ने अपनी तरफ से डाटा दे दिया लेकिन जो यूनिक नंबर होता है बॉन्ड का वो नहीं बताया, जिस पर आज कोर्ट ने काफ़ी नाराजगी जताई। और पिछली सुनवाई पर जो शुक्रवार को सुनवाई हुई थी उस दिन चूंकि एसबीआई के वकील कोर्ट में नहीं थे तो कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर आज के लिए बुलाया था। आज एसबीआई के वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि आदेश को समझने में थोड़ी चूक हुई है क्योंकि उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि बॉन्ड के नंबर भी बताने हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि हम एक एक चीज आपको नहीं कहेंगे कि आपको ये करना है या वो करना है। जब हमने एक बार आपको ये कह दिया कि आपको सारी डिटेल्स देनी है तो उसका मतलब आपके पास जो भी डिटेल है वो सब आपको चुनाव आयोग को देनी थी। हालांकि अभी जो अवमानना का मामला था, जो कंटेम्प्ट का मामला था, उस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। एक और मौका निश्चित तौर पर एसबीआई को मिला है और एसबीआई ने भी आज कोर्ट में कहा कि वो सारी डिटेल्स दे देगा और अब कोर्ट ने उन्हें कहा है कि 21 मार्च की शाम को 5 बजे तक आप ये तमाम डाटा दीजिए।